और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां चुनावी साल में हिमाचल कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रही है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से प्रदेश भर में रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा का जिम्मा विधायक विक्रमादित्य सिंह और राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली के कंधे पर डाला गया है। शिमला ग्रामीण के विधायक और हिमाचल कांग्रेस के महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने युवा रोजगार यात्रा के लिए प्रदेश भर के युवाओं को का समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर खिलवाड़ किया है। प्रदेश भर में 13 लाख से अधिक बेरोजगार हैं। सरकार ने रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लग यानी कि कर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस सरकार आने वाले 680 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि इस वर्तमान सरकार में बहुत से लोगों का भविष्य जो है वो तबाह हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के कर्मचारी हैं, बागवान हैं, किसान हैं, मगर उस सूची में जो सबसे ऊपर आते हैं वो प्रदेश के युवा हैं। प्रदेश की बेरोजगारी जो आज करीबन 14 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए गए, सरकारी नौकरी की बात की गई, इन्वेस्टर मीट के माध्यम से सैकड़ों नौकरियां देने की बात की गई, मगर ये सारे के सारे वादे जो है वो खोखले। और इसी बीच वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब से आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचलवासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं कर पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी,
इस हेम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हेल्थ केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285.35 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की बीजेपी सरकार के नेतृत्व में पश्चात आज उन चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में से एक बन गया है जहां तीव्र गति से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हाल ही में पश्चात विधानसभा क्षेत्र की 109 किलोमीटर सड़क के लिए 91,20,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और शीघ्र ही इन सड़कों का कार्य आरंभ हो जाएगा। ये बात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि राजगढ़ मंडल की 6 सड़कों के लिए 44 करोड़ जबकि सराह मंडल की 3 सड़कों के लिए 46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि राजगढ़ में शलाना जोहड़ी से पैरवी खड्ड के लिए 7,32,00,000, लिंक रोड थानाधार के लिए 4,37,00,000, रेहड़ी गुसाना से दाऊगा फंग फाग सड़क के लिए 3,92,00,000, भड़ोली से टाली भूजल सड़क के लिए 7,34,00,000, धामला से धनेश चुखड़िया सड़क के लिए 13,48,00,000 और राजगढ़ यशवंत नगर वाया बडगला सड़क के लिए 8,47,00,000 राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया है कि सराह मंडल की मुख्य सड़क मरयोग नारग धरियार के लिए 32,26,00,000, नैना टिक्कर देवथल के लिए 9,44,00,000 और धबूर बागथन सड़क के लिए 4,52,00,000 स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 वर्ष में पचदाद में सड़कों पर ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इस दौरान उनके साथ पचदाद की विधायिका रीना कश्यप भी मौजूद नजर आई है। स्वीकृत हुआ है जिसमें हमारी दोनों डिवीजन, क्योंकि इस समय पचदाद में 2 डिवीजन है, एक सराह डिवीजन और दूसरा राजगढ़ डिवीजन, तो जिसमें सराह डिवीजन की 3 सड़कें मेनली नैना टिक्कर देवथल, इसके लिए 944,42,42,42,000, इसी प्रकार से मरयोग दरियार जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए 3,32,26,28,000, और एक छोटी सड़क है दबूर बागथन रोड जो मेरी पंचायत में आती है, इसके लिए 4,00,000
4,07,000 या 70,000 जितना भी है। और हिमाचल में शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धरोगड़ा के अध्यापक वीरेंद्र कुमार और उनके स्टूडेंट्स ने गेटी थिएटर शिमला में लिखावट प्रदर्शनी आयोजित की है। ये प्रदर्शनी 21 जुलाई तक चलेगी। स्कूली बच्चों के साथ वीरेंद्र कुमार से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले दूसरे स्कूली बच्चे और टीचरों की लिखावट प्रांतीय भी इस एग्जीबिशन में शामिल की गई है। आकर्षक लिखावट के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से प्रदर्शनी में अलग अलग एज ग्रुप के छात्रों की लगभग 500 लेखन प्रांतियां प्रदर्शित की गई है। अध्यापक वीरेंद्र कुमार का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से जहां ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं को एक्सपोजर मिलता है, वहीं एग्जीबिशन में आने वाले अन्य विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। एग्जीबिशन के दौरान अभ्यास सत्र भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के साथ लिखावट की तकनीकी साझा की जा रही है। मीनाक्षी कश्यप है, मैं प्लस वन में पढ़ती हूँ और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रोगड़ा से आई हूँ। सर, जब हमारे स्कूल में सर आए थे, हम तब से सर हैंड राइटिंग सीख रहे। हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, हमारी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी, पहचानने में नहीं आती थी। तब से हम इसको सीख रहे। हमने कम से कम 10-15 दिन में सर से स्ट्रोक्स लिए और हैंड राइटिंग सीखी। हम रोज एक एक पेज लिखते हैंड राइटिंग, इससे हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी और हमें इससे सबसे ज्यादा हमें इसमें ना सबसे ज्यादा ऐसे हो रहा है कि क्या बोलते हैं, हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही और हमारी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा है इसी वजह से। सर, मकसद हमारा ये भी है कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हैंडराइटिंग इतनी बेहतर नहीं है और हमारी सारी जो एग्जामिनेशन है वो हैंडराइटिंग बेस्ड है। तो हमारा ये एग्जीबिशन लगाने का मकसद, इसमें दो आप कह सकते हैं मकसद। पहला ये कि मेरे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एक्सपोजर मिल जाएगा क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग बेस्ट हो गई है, वो पूरे प्रोसेस को जानते हैं हैंडराइटिंग बेस्ट कैसे किया जा सकता है, तो उनकी हेल्प से हम दूसरे बच्चों की राइटिंग भी बेस्ट कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ की श्रीनैना देवी में तीसरा नवरात्र है। रविवार की छुट्टी है तो बीते 3 रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में मंदिर भेजा जा रहा है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर और मंदिर अधिकारी विपिन मेला, पुलिस अधिकारी अमित शर्मा और डीएसपी पूर्णचंद मंदिर में डटे रहे हैं। वही भीड़ पर नियंत्रण कायम करने में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु 6 मेडिकल पोस्टें स्थापित की हुई हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत मौके पर जो उनको इलाज दे दिया जाता है। और साथ में हमको गृह रक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भी लगाई हुई है, किसी प्रकार की जो विकट परिस्थिति आ जाती है तो एकदम वो रिएक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं और हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।